हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली हम स्टूडेंट शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो भी एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू जॉब सर्चिंग्स, पर्सनली मेरा कि मैं एज अ डिपेंडेंट वीज़ा आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कैसे जॉब सर्च किया आईटी में एंड क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस थे और क्या इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे पूछे थे, वो आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो आज का मेनली टॉपिक है, यहाँ पे आने से पहले मैंने जॉब कैसे सर्च किया, जॉब सर्च करने के लिए मैंने क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स यूज किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारा यहाँ पे आने का फिक्स होने के बाद, लाइक मेरे हस्बैंड को ऑफर मिलने के बाद, मैंने भी एज अ डिपेंडेंट वीजा जॉब सर्चिंग स्टार्ट किया। सो वीजा जब प्रोसेस में पड़ा तभी मैंने जॉब सर्चिंग स्टार्ट किया था, लाइक 3-4 मंथ्स पहले। बट जब आपका डेट, ट्रैवल डेट अगर फिक्स नहीं होता तो कोई आपको एंटरटेन नहीं करता। तो मैंने अप्लाई किया था, HR के रिवर्ट भी आ रहे थे, बट 3-4 मंथ्स थे तो कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता था, तो मैंने फिर वहाँ से स्टॉप किया था। और जब हमारा वीज़ा इंटरव्यू हो गया और मीन्स हमारा ट्रैवल डेट फिक्स हो गई कि इस डेट में हम स्टूडेंट जाने, सो मैंने फिर से स्टार्ट किया अप्लाई करने के लिए। सो फर्स्टली मैंने लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल अपडेट कर दिया, और अपडेट करते टाइम ही मैंने अभी मेरे ट्रैवल डेट फिक्स हो गई थी तो मैंने स्वीडन का जो हमारा लोकेशन, टेम्प्ररी लोकेशन था, एड्रेस वगैरह, तो वो मैंने मेरे रिज्यूमे पे वगैरह डाल दिया था, और लिंक्डइन पे मेरे जो लोकेशन रहता है हमारे प्रोफाइल के अंडर, वो भी मैंने स्वीडन डाल दिया था। जो भी आप रिज्यूमे बनाओगे उस रिज्यूमे को थोड़ा शॉर्ट में बनाना, लाइक 7-8 पेज का अगर आपका रिज्यूमे है, वो यहाँ पे कोई इतना पढ़ते नहीं बैठता। सो 2-3 मैक्सिमम 2-3 पेजेस का आप अपना रिज्यूमे बनाओ। सो रिज्यूमे का टेम्पलेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, आप वहीं से चेक कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है कि आप लिंक्डइन पे ही अपना जॉब अलर्ट क्रिएट करना, जिस सिटी में आप जा रहे हो उस सिटी में जो भी आपके स्किल्स के रिलेटेड जो भी जॉब्स है उसके लिए आप जॉब अलर्ट क्रिएट करना लिंक्डइन पे, वो मेन इम्पोर्टेंट है। सो आपको लेटेस्ट अपडेट आ जाती है आपके स्किल के रिलेटेड, जो भी ओपनिंग से आपको डेली मिलते रहते हैं जॉब के अलर्ट से। सो आप जो भी जॉब अलर्ट्स में जो भी जॉब्स आ रहे हैं, अगर आपके स्किल सेट को मैच हो रहे तो आप उसके लिए अप्लाई करते रहो, और ऐसा नहीं है कि एक दो जॉब अप्लाई किए और आप वेट करते रहोगे, वैसा मत करो। जो भी आपको डेली जो नोटिफिकेशन आ रहे हर एक के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ की प्रोसेस, कुछ कंपनी की प्रोसेस बहुत फास्ट है इंटरव्यू प्रोसेस, और कुछ कंपनियां बहुत टाइम लेती है, लाइक 2-3 मंथ्स लगता है उनके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। सो एक कंपनी पे किसी डिपेंड मत रहना और आप जॉब सर्च कर दे। नेक्स्ट स्टेप इज आपने अप्लाई कर दिया और अगर आपका प्रोफाइल मैच हो गया, देन HR कॉल करते हैं आपको या मेल पे ही रिवर्ट कर देते हैं कि आपका प्रोसेस चल रहा है, आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में है। और कुछ कंपनी में अगर आपका प्रोफाइल मैच नहीं हुआ और उन्होंने कंसिडर नहीं किया तो आपको मेल पे रिप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ का एक अच्छा है कि आपको पता चलता है कि इस कंपनी में स्पेसिफिक आपका प्रोफाइल प्रोसेस में है या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सो नेक्स्ट रहता है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, देन HR हमें कॉल करते हैं या मेल पे कुछ डिटेल्स पूछते हैं। तो मेनली डिटेल उनके यही रहते हैं कि आप स्वीडन में हो क्या और आपके पास वीजा है क्या। आप तो ये बोल सकते हो कि आपके पास वीजा है, डिपेंडेंट वीजा है, और स्वीडन में आप स्पेसिफिक डेट को आप मूव होने वाले हो। ओके और आप आने के बाद आप इमिडिएटली ज्वाइन कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द केस में HR ये कंसिडर करते हैं एप्लीकेशन कि आपका अगर डेट फिक्स है और आप इमिडिएट ज्वाइनर हो उसके बाद। नेक्स्ट लाइक HR ने अगर एक्सेप्ट कर दिया आपका, देन HR आपसे टाइम स्लॉट पूछ के एक HR इंटरव्यू, HR स्क्रीनिंग राउंड रखते हैं। सो मोस्टली HR स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है कि जो भी आपने रिज्यूमे में अपडेट किया है, जो भी आपने डाला है आपका स्किल से या डिटेल्स, वो सारे प्रॉपरली है क्या, वो सारे वो चेक करते हैं। उसके बाद कि आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, आपका आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये सब आपका एटीट्यूड देखते हैं, और आपके एक्सपेक्टेशन पूछते हैं कि आपको कितने एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस प्रोफाइल और जॉब के लिए। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि आपके स्किल्स किट के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए आप कितना सैलरी देते हैं, लाइक बकेट रहता है इनका स्टार्ट टू एंड, सो आप उस बकेट के बीच में आप मांग सकते हैं,
और थोड़ा एनालिसिस करके आप प्रिपेयर रहना उस टाइम की एक्सपेक्टेशन आपको क्या बोलने है करके। ठीक है, सो ये था कि एक्सपेक्टेशन। सो एचआर राउंड होने के बाद एचआर मीन्स वो रिक्रूटमेंट राउंड ही रहता है। तो ये होने के बाद अगर सब पॉजिटिव उनको लगा तो ये सारे डिटेल्स मैनेजर से शेयर करते हैं वो लोग। सो द नेक्स्ट राउंड रहता है, सेकेंड राउंड रहता है आपका मैनेजर राउंड। जो प्रोजेक्ट के लिए आपकी ओपनिंग है उस प्रोजेक्ट के मैनेजर स्पेसिफिकली ये राउंड लेते हैं। तो मैनेजर राउंड में भी वो वही देखते हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है वो रिलेवेंट है क्या, और आपका एटीट्यूड देखते हैं। देन जो कुछ जो सिनेरियोस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन से रिस्क मैनेजमेंट कैसे टैकल करोगे, प्रोडक्शन इश्यू आया तो कैसे टैकल करोगे, काइंड ऑफ इंटरव्यूज पूछ मीन्स क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। एंड मोस्टली अजाइल मेथोडोलॉजी के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। मैनेजर ये भी देखते हैं कि आपका टीम बाउंडिंग कैसा रहता है, आपने प्रीवियस कंपनी में टीम के रिलेटेड क्या, टीम के लिए क्या किया था, ये कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। ओके, थर्ड राउंड रहता है कि टेस्ट राउंड रहता है। सो टेस्ट राउंड में क्या रहता है कि कुछ कंपनियां हमें यूआरएल लिंक भेजते हैं कि लिंक में जाके हमें 2-3 आवर्स का जो फिक्स स्लॉट रहता है उसमें ही हमें वो टेस्ट देनी पड़ती है आपके स्किल के रिलेटेड। एंड दे कुछ कंपनी ऐसे रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजते हैं, PDF वगैरह भेजते हैं, और हमें स्पेसिफिक टाइम में 1 वीक में हमें वो कंप्लीट करके प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना के GitHub का URL वगैरह उनके साथ शेयर करने पड़ता है। सो एक बार आपका टेस्ट होने के बाद फिर फोर्थ राउंड रहता है टेक्निकल राउंड। फोर्थ टेक्निकल राउंड में मोस्टली आपको जो आपने टेस्ट दिया था टेक्निकल टेस्ट उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, और क्या 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 आपको डिफिकल्ट उसमें लगा, और आप क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उस टेस्ट में, ये कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। यहाँ पे टेक्निकल राउंड में मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और हाई लेवल टेक्निकल राउंड रहता है। अगर आपने कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी वगैरह डाली है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने किया है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हर एक इंटरव्यू मोस्टली 1-1 आवर्स के रहते हैं। टेक्निकल राउंड में उनको आप कॉन्फिडेंट लगे, और जो भी वो वैलिडेट कर रहे हैं आपके रिज्यूमे से वो आपको प्रॉपर सब आता है, वो उन्होंने वैलिडेट कर लिया प्रॉपरली, तो यस वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट राउंड रहता है कि मैनेजर प्लस एचआर, और कभी कभी सिर्फ एचआर लेते हैं। सो उसमें वो लोग मोस्टली सैलरी डिस्कशन रहता है, पॉलिसीज मेन यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज रहती है ये सारे एक्सप्लेन हमें करते हैं। तो उसके रिलेटेड मैं इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। मेन इंपॉर्टेंट है कि इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। कुछ कंपनियां की इंटरव्यू प्रोसेस फास्ट रहती है, कुछ कंपनी की इंटरव्यू प्रोसेस स्लो रहती है। सो मेन है हमें कि बहुत पेशेंस रखने होते हैं। कुछ कंपनियां इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद जल्दी ऑफर रिलीज कर देते हैं और अपना ज्वाइनिंग डेट भी आ जाता है। बट कुछ कंपनियों में ऐसा रहता है कि वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी अपना करते हैं। सो मेरे कंपनी में हुआ था कि उन्होंने मेरा इंडिया का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया था। सो उसमें उन्होंने इंडिया का अपना जो एड्रेस रहता है उस एड्रेस का वेरिफिकेशन करते हैं, अपना कोई पुलिस का रिकॉर्ड वहाँ पे है नहीं है ना, वो भी सब चेक कर। उनके कुछ एजेंसीज रहते हैं उनके साथ हमें अपना डिटेल सब शेयर करना पड़ता है, और वो सब वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद वो रिपोर्ट भेजते हैं। अगर वो रिपोर्ट गो है देन ये लोग हमें ऑफर रिलीज कर देते हैं, अपना ज्वाइनिंग डेट आ जाता है। सो ये सारी इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। एक इसमें ऐसा था कि जब मैं इंडिया में थी तो मेरा 2-3 कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसमें से एक कंपनी की ऑफर मुझे इंडिया में जब मैं थी तभी आया था, और 2 कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस चल ही रहा था। वो ऑफर मुझे यहाँ स्वीडन में आने के बाद मुझे 2-3 महीने के बाद वो ऑफर मिल गई। उन्होंने सब मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह इंडिया का किया था, और उसके बाद ही हमें वो मुझे वो ऑफर दिया था। लास्ट है कि कुछ में जनरल क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मुझे 3-4 कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे थे एचआर और मैनेजर राउंड्स के लिए, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक योर सर्चिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज में बताने वाली हूँ कि ऑफिस का फर्स्ट डे कैसे रहता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या रहती है, एंड ये लोग CTC को छोड़ के क्या क्या ऑफर्स हमें देते हैं या क्या बेनिफिट्स हमें देते हैं, कुछ क्या क्या पॉलिसीज हमें रहती है, ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।